कहा था मैंने अर्थी उठेगी मारी मारे पोते के जाने के साथ। अब भी नहीं खड़ी रह गई तो अपनी बात की धनी ना हूं मैं। मासा 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 रुकिए, मासा कहाँ जा रही हैं? मासा मासा नहीं, मासा कहीं नहीं जाएंगी आप। मेरा हाथ छोड़ बसंत। नहीं छोड़ूंगा मासा, और आपको भी नहीं जाने दूंगा हमें छोड़कर। मेरे जाने दे बसंत। मासा आप कहीं नहीं जाएंगी, मासा अपने कमरे में जाइए। मासा एक तुम्हारे पोते को भेज दियो, अरे मने रोके अपनी बात पूरी करने से। तू ही मने रोके, और कोई सामने आयो आए गोविंद, ये सब जई चावे मैं मर ही जाऊं। तू भी मारा मोह छोड़ दे बसंत, जाने दे मैं। नहीं मासा, अगर एक से आपका कलेचा ठंडा ना हुआ हो तो मुझे 100 थप्पड़ और मार लीजिए मासा, लेकिन इस घर से जाने की बात मत कीजिए। ये घर आपके बिना घर नहीं रहेगा, कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। और मासा चक्या के बारे में सोचिए, कल को जब वो लौट कर आएगा तो आपके बगैर उसका क्या हाल होगा, सोचिए मासा। मासा, मासा मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको नहीं चाहते, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया हूं, क्या उसके जीवन का मोह नहीं होगा मुझे? मासा आपने जन्म दिया है मुझे, आपका छोड़ के जाना कैसे सह सकते हैं हम? मासा ये दीवारें ना है, आपका हाथ है हमारे सर पे, जो सुरक्षित है हम। आप चली गई, अनाथ हो जाएंगे, जाइए। मासा ये परिवार आपके बिना अधूरा हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा सब कुछ। मत जाइए मासा, अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ है, तो आप मुझे जो सजा देंगी वो मैं चुपचाप मान लूंगी, लेकिन घर छोड़कर जाने की सजा हमें मत दीजिए दादी साहब। इतनी फूलदार भाषा में बात करो और अपना अपन जरा बिना, शायद जी और समझना बाकी है जाने से पहले। ईश्वर की मर्जी कि जगदीश की खातिर रह लूंगी मैं यहीं से घर में। और अपनी सीमाएं बढ़ा के रहूंगी, ये छोरी अब इससे मारो कोई रिश्ता ना है। Oh,
अभी देख, ये तो अपना वही फ्रेशर हीरो है, है ना? हाँ, ये तो वापस आ गया। हाय हीरो, कोई सामान छूट गया था यहाँ? वही लेने आया, क्योंकि हमें तो लगा था कि जिस तरह से तेरी इज्जत का डिसेक्शन हुआ है, अब इस जन्म में तो लौटकर वापस डॉक्टर बनने नहीं आएगा था। गया तो मैं भी यही सोच कर था, लेकिन बाद में समझ में आया कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे सपनों के आगे कहीं छोटा है। अब मैं तब तक लौट आया हूँ जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूँ। अबे लगता है हार्ट ट्रांसप्लांट करा के आया, चूहे से बदलकर शेर दिल जवान। आनंदी, मैं मासा को खाना दे आती हूँ। सासू माँ, मैं दे आऊँ दादी सा को खाना? देख आनंदी, मासा नाराज है तुझसे। देख लाडो, जो कुछ हुआ उसमें तेरी गलती ना है, तो तू क्यों चिंता करती है? कुछ ही दिनों में मासा का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। उतने दिनों के लिए भी क्यों रहने दे उन्हें नाराज, मैं जाके मनाती हूँ ना दादी सा को। सच तो ये है कि तू भी मासा की तरह ही जिद्दी है, बस वो गुस्से से जिद करती है और तू प्यार से। खबरदार, हमारे कमरे में जो पैर धरा तो। सुबह मैं जानती हूं कि जग्गिया के जाने से अदीसा बहुत दुखी है, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, वो नहीं माने। आनंदी, तेरी बात सही है, पर जो तू कह रही है खुद ही समझ ना रही है। मासा की असली तकलीफ जग्गिया के जाने से है, जानती है ये बात, तो फिर अपने आप को दुख क्यों दे रही है? मासा को थोड़ा समय दे, समय ही उनका ये घाव भर सकता है। दो मिनट भी लेट हो जाए तो वो खड़ूस प्रोफेसर अंदर आने ही नहीं देता। मैं तो आज अच्छी खासी लेट हो गई। जगत, तुम
एक्सक्यूज मी, अगर आपको वॉचमैन बनना है तो बाहर गेट पे जाके खड़े रहिए, और अगर डॉक्टर बनना है तो प्लीज अंदर क्लास में चलिए। एक्सक्यूज मी, mRNA, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव पर्टिकुलरली पेड अटेंशन टू दिस लास्ट कंपार्टमेंट, व्हाट वी नेम मेटालो डीएनए। वी शैल डिस्क्राइब इट्स फिजियोलॉजिकल रोल्स आफ्टरवर्ड्स, नॉट नाउ। फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि वी शैल रिपीट माय लास्ट लेक्चर, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गाइस, आप में से किसी को भी मेटालो डीएनए के संदर्भ में कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कम एंड सी मी ड्यूरिंग लंच आवर्स, ओके? सो शैल वी गो? गुड। आई एम सो हैप्पी कि तुम वापस आ गए। पता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे और वापस भी नहीं आओगे। मैं तुम्हारे से गया या नहीं गया उसे छोड़ो, लेकिन हाँ, मेरे वापस आने की एक वजह तुम भी हो। तुमने जो कुछ मुझे समझाया बताया उससे भी मेरा मन बदला। सचमुच वापस आकर मैं अपने आप को कमजोर बना रहा था। गलत था मैं, बहुत गलत। बहुत अच्छा लगा तुमसे ये सब सुनकर। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, तुम्हारे जितने भी लेक्चर्स मिस हुए ना, उन सब के नोट्स तुम मुझसे ले लेना। टेंशन मत लेना, सब कवर कर लोगे तुम। बापू का घर छोड़ा तब अपने आप को एक वचन देकर आई थी मैं कि मेरे कारण दादी सा को या किसी को भी कोई तकलीफ ना होने दूंगी मैं। और दाई सा मेरा भगवान जानता है कि उस
वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, हमेशा डरती रही कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, डर कर जोर से हंसना तक छोड़ दिया मैंने। दाईसा दादीसा की बात सही लगे या गलत चुपचाप मान ली, और आज घर की शांति के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब हो गया। इतना कुछ करने के बाद भी मुझे दादीसा की नाराजगी क्यों मिलती है दादीसा, क्यों? चल उठ उठ। जरा देख इसमें खुद को, ये वो आनंदी नहीं है जो हम सबकी प्यारी थी, क्योंकि समझदार होने के अलावा सही का साथ देने की हिम्मत भी थी उसमें। जो मन को अच्छा ना लगे, खुद को सच्चा ना लगे, वो कहने में वो कभी डरती नहीं थी, फिर चाहे उसे बड़ों की डांट ही क्यों ना खानी पड़े। कहां गई वो आनंदी जो बात बात पर सवाल किया करती थी ताकि सही और गलत का फर्क समझ सके। पर इस आनंदी ने तो जैसे सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सही और गलत का बोझ उठाना नहीं चाहती ना। उसके लिए सही वही है जिससे घर की शांति बनी रहे, यही वचन देकर आई थी ना अपने आप को। अपने वचन निभाने का बोझ उठाते उठाते वो आनंदी तो कब की खत्म हो गई, जो हर बोझ से मुक्त थी, एक आजाद चिड़िया की तरह। हमने एक सच्ची इंसान भेजी थी 5 साल अपने आप से दूर। इन 5 सालों के बाद जो वापस इस घर में लौटी है वो सिर्फ एक सच्ची बींदनी है। कहाँ छोड़ आई उस सच्चे इंसान को तू आनंदी? जरा देख इसमें खुद को, ये वो आनंदी नहीं है जो हम सबकी प्यारी थी, क्योंकि समझदार होने के अलावा सही का साथ देने की हिम्मत भी थी उसमें। जो मन को अच्छा ना लगे, खुद को सच्चा ना लगे, वो कहने में वो कभी डरती नहीं थी, फिर चाहे उसे बड़ों की डांट ही क्यों ना खानी पड़े। कहाँ गई वो आनंदी जो बात बात पर सवाल किया करती थी ताकि सही और गलत का फर्क समझ सके? पर इस आनंदी ने तो जैसे सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सही और गलत का बोझ उठाना नहीं चाहती ना। उसके लिए सही वही है जिससे घर की शांति बनी रहे, यही वचन देकर आई थी ना अपने आप को। अपने वचन निभाने का बोझ उठाते उठाते वो आनंदी तो कब की खत्म हो गई, जो हर बोझ से मुक्त थी, एक आजाद चिड़िया की तरह। हमने एक सच्ची इंसान भेजी थी 5 साल अपने आप से दूर। इन 5 सालों के बाद जो वापस इस घर में लौटी है वो सिर्फ एक सच्ची बींदनी है।
कहाँ छोड़ आई उस सच्चे इंसान को तू आनंदी? लेकिन ताई साहब, उस समय मैं नहीं जानती थी कि मेरे कुछ बोलने से दादी सा का अपमान नहीं आनंदी। सही का साथ देने से कभी किसी का अपमान नहीं होता, पर हाँ गलत का साथ देगी तो अपने स्वभाव का, अपने अस्तित्व का अपमान करेगी। तो घर में शांति बनाए रखना हर बिंदी का धर्म होता है, लेकिन इंसान होने के नाते भी तेरा कुछ धर्म है जो तुझे निभाना चाहिए। दूसरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ तो तू खड़ी हो जाती है, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा की आवाज को क्यों घोट रही है तू? सवाल कर आनंदी, एक बार फिर से सवाल कर, और इस बार ये सवाल तू अपने आप से कर। पूछ के कहां खो गई वो पहली वाली आनंदी? ढूंढ उसे आनंदी, अपने अंदर ढूंढ, वहीं कहीं छुपी है वो। ये वो आनंदी नहीं है जो हम सब की प्यारी थी। कहां गई वो आनंदी? गलत का साथ देगी तो अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व का अपमान करेगी। अपनी आत्मा की आवाज को क्यों घोट रही है तू? सवाल कर आनंदी, पूछ के कहां खो गई वो पहली वाली आनंदी? देख ली ऐसी सहेली? सच्ची दादी सा, फूली को बहुत इच्छा है पढ़ने की। उसने तो कभी ब्याह की बात की भी ना। उसके बापू ने उसे नहीं बताया होगा। अगर बताया भी होगा तो डांट डपट के चुप करवाया होगा।
गई। आनंदी कैसे खो सकती है, वो तो यही है। देखो सबकी देखभाल और खुशियों का ख्याल रखने वाली आनंदी, जगिया से झगड़ा करने वाली आनंदी और हमेशा सच का साथ देने वाली आनंदी, अभी भी वैसी ही है, यही है वो। कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मन की आंखों से जब भी मुझे पुकारोगी मुझे अपने अंदर ही पाओगी। लीजिए मासा, जिद मत कीजिए। पर जबरदस्ती मत खिला बसंत, मैंने कह दियो ना भूख ना है। मैंने सुमित्रा इस छोरी को वापस भेज, इसकी तो सूरत भी ना देखनी मैंने। जा तू जहां से। मैं चली जाऊंगी दादी सा, बस आप खाना खा लीजिए। क्योंकि अगर आपने ना खाया तो कोई भी ना खाएगा और सब भूखे ही सो जाएंगे, और अगर सब भूखे सो गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि नाराज मैंने आपको किया है और सजा सबको मिल रही है। इतनी छोटी उम्र में जाने कैसे सीख लिए हो इतना तमाशा करना इसे। जिस बात के लिए इतना शोर मचावे है ना, उस बात को ही खत्म करूं। भूख बर्दाश्त ना होवे, जा खा ले जाके जा। दादी सा अगर आप कहें तो जब तक आपकी आज्ञा ना हो मैं खाने की ओर देखूंगी भी नहीं। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम हाले से क्या पूछेगी? बधाई हो भैरो, थारी बिंदड़ी सियाणी हो गई, अरे से सवाल जवाब करना चाहे। दादी सा मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा तो इसमें मेरी गलती कहाँ हुई? मैंने उन्हें कोई रास्ता ना दिखलाया दादी सा, वो जिस रास्ते पर चलना चाहते थे मैंने उसमें बस उनका साथ दिया है। और आप ही तो कहती है ना कि हर लुगाई का धर्म होता है अपने बींद का साथ देना। तो इसमें इतनी बड़ी गलती क्या हो गई कि इसके लिए मुझे मेरे माँ बापों तक के लिए इतना भला बुरा सुनना पड़ा? जग्या के डॉक्टर बनने को लेकर बापू सा, सासू माँ सब खुश थे, उसी तरह मैं भी थी, फिर अकेली मैं दोषी कैसे हुई दादी सा? सुमित्रा भैरों ने जगदीश का साथ दियो, पर जो भुगत के आया ना छोरा वहां से, उसके बाद वापस तो ना भेजा उसे वहां जैसे तूने कियो। हमारे पोते के लिए कोई संवेदना ना है थारे मन में, बस अपना स्वार्थ पूरा करना चाहे। हाँ जब ही ऐसा मंत्र पढ़ो उस पे
कि तू उसे बोली के जा भाग जा, तो भाग निकलो फिर उसी नरक की तरफ। दादी सा, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। बताइए ना दादी सा, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको इस बात का? जे थारी सासू माँ तने अपनी माँ जैसी लागे ना, तो इसके सर पे हाथ रख के कसम खा कि तूने छोरे को जाने से रोका। खा कसम। सासुमा मेरे लिए क्या मायने रखती हैं ये आप जानती हैं दादी सा। आज मैं सासुमा की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। मैंने उनसे नहीं कहा कि भाग जाएं। अब तो आपको मेरी बात झूठी नहीं लग रही है ना दादी सा? तुम पूजा पाठ में इतना विश्वास रखती हो, पता नहीं था। मेरा मतलब है तुम्हें देखकर लगता नहीं कि इतनी धार्मिक भी हो तुम। हूँ, लेकिन उतनी भी नहीं कि हर रोज नियम से मंदिर आऊं। पर हाँ, जब तुम अचानक यहाँ से चले गए तो मैं बहुत घबरा गई थी, तब मैं यहाँ आई तुम्हारी सलामती के लिए मन्नत मांगने। तब मैंने मांगा कि अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर यहाँ दर्शन के लिए आऊंगी। तुम्हें शायद अजीब लग रहा हो, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगू या तुम्हें थैंक यू कहूँ। मुझे बचाने के लिए तुम सामने आए और बदले में तुम्हें कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। मेरे कारण तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान किसी के लिए इतना कर सकता है। और वो लोग जगत हमारे सीनियर्स जो खुद भी यहाँ जिंदगी में कुछ करने आए हैं, वो लोग अपने जूनियर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोगों की जान कैसे बचाई जाए यही सीखने आए हैं ना वो सब भी, मगर लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं और कोई उन्हें रोकता तक नहीं। तुम्हें पता है
ये रैगिंग का सिलसिला तुम्हारे जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जो जिल्लत तुम्हें सहनी पड़ी, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को भी वही सब सहना पड़ा। मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने सालों से सीनियर्स रैगिंग के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? सही कहा तुमने, कोशिश ही नहीं करता कोई, है ना? सुमन, तुम्हें नहीं लगता कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ? सुमन बताओ, सुमन को बताते हुए भी शर्म आ रही है। किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है ये सब। और तुम राहुल, तुम्हें रात भर ठंडे पानी की टंकी में खड़े रहने को कहा गया था ना, बिना कपड़ों के। तुम ही बताओ राहुल, जो तुम्हारे साथ हुआ क्या वो सही था? बताओ। हम कब तक ये चुपचाप सहते रहेंगे? और क्यों सहें? ये तो गलत है ना। क्या कर सकते हम, और कौन सुनेगा हमारी? इनफैक्ट कुछ कहने या शिकायत करने की कोशिश भी की तो ये सीनियर्स और भड़क जाएंगे। इन एनी केस, जो होना था हो गया। रैगिंग केस इज ओवर नाउ। अब सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और कुछ बोल के मुझे और मुसीबत में नहीं पड़ना। करेक्ट। रैगिंग कोई आज की बात नहीं है, सालों से सभी कॉलेज में ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। अब तक नहीं रुकी तो आगे क्या रुकने वाली है ये? एब्सोल्युटली राइट। हम वैसे यहाँ डॉक्टर बनने आए हैं, कोई लीडर बनने के लिए नहीं। प्रोटेस्ट करके किसी नई कंट्रोवर्सी में फंसने की कोई जरूरत नहीं। हम कब तक ये चुपचाप सहते रहेंगे? और क्यों सहें? ये तो गलत है ना। क्या कर सकते हैं हम, और कौन सुनेगा हमारी? इनफैक्ट कुछ कहने या शिकायत करने की कोशिश भी की तो ये सीनियर्स और भड़क जाएंगे। इन एनी केस, जो होना था हो गया। रैगिंग फेस इज ओवर नाउ। अब सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और कुछ बोल के मुझे और मुसीबत में नहीं पड़ना। करेक्ट। रैगिंग कोई आज की बात नहीं है, सालों से सभी कॉलेज में ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। अब तक नहीं रुकी तो आगे क्या रुकने वाली है ये? एब्सोल्युटली राइट। हम वैसे यहाँ डॉक्टर बनने आए हैं, कोई लीडर बनने के लिए नहीं। प्रोटेस्ट करके किसी नई कंट्रोवर्सी में फंसने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पता है, तो कानूनी तौर पर रैगिंग एक अपराध है, और तभी तो सरकार ने रोक लगाई है इस पर। और अपराध का ना विरोध करने वाला भी एक अपराधी ही होता है। और हमें डरने की क्या जरूरत है? हम किसी जंगल में नहीं रहते, हमारे लिए सरकार है, कानून है। जब तक शिकायत ही नहीं पहुंचेगी उनके पास, हमारी कोई क्या मदद करेगा? प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम बहादुरी सामना करने के बजाय डरकर यूं ही भाग जाते हैं यहां से, जो मैंने भी किया। बुजदिलों की तरह मुंह छुपाकर भाग गए हैं यहां से। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर हम सब एक हो जाएं और एक मुट्ठी बनकर यह तय कर लें कि आगे जुल्म नहीं सहेंगे, तो रैगिंग नाम की गुंडागर्दी अपने आप ही बंद हो जाएगी। एक अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हां, अगर हम सब मिल जाए तो उन सीनियर्स पर जरूर भारी पड़ेंगे। अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे वो लोग। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हमारी रक्षा के लिए ना तो हमें किसी पुलिस की जरूरत है, ना ही किसी सरकार की। एक दूसरे के लिए हम ही काफी हैं। अपने अधिकारों को पहचानिए, आगे फैसला आपका। Yes, you are right. Yes, guys. Unity में बहुत ताकत होती है. We can do it. प्रिंसिपल साहब ने केबिन में बुलाया तुम्हें. मुझे? हाँ, तुम्हें. आप लोग मेरा वेट करिए,
मैं अभी आता हूँ। प्रिंसिपल ने जगत को क्यों बुलाया? चकिया बहुत हिम्मत जुटाकर शहर गए हैं देवी माँ, उनकी रक्षा करना। इस बार ऐसा कुछ मत होने देना जिससे चकिया का साहस टूटे या फिर गुस्से में आकर वो कुछ ऐसा कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरे चकिया को लंबी उम्र देना। बापू साहब आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले, कुछ जरूरी कागज लेने थे इसीलिए वापस आना पड़ा। मैं आपके लिए जल्दी से चाय बना के लाती हूँ। अरे आनंदी, चाय मैंने चढ़ा दी है। ठीक है, तो मैं छान कर लेके आती हूँ। अरे सुमित्रा, पूछ जरा इस छोरी से, क्या कर रही थी पूजा घर के भीतर? अपने बींद के लिए प्रार्थना करे थी, उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। अच्छो तमाशो है, पहले बींद को कुएं में धकेल दो, फिर ईश्वर को पुकारो कि बचा लो हमारे बींद को। थारी बड़ी होए और किसी काज में हो के ना हो, दिखावे और चोचले बाजी में अव्वल है छोरी, कोई इसे मात ना दे सके। आनंदी बेटा, तू बहुत दिनों से अपनी सहेली फूली से नहीं मिली ना, चल मैं रास्ते में तुझे उसके घर छोड़ देता हूँ, फूली खुश हो जाएगी। बापू साहब, मैं जानती हूँ आप सिर्फ फूली की खुशी के लिए नहीं बल्कि मेरा मन बहल जाए इसीलिए मुझे वहां जाने के लिए कह रहे हैं, है ना? अच्छा ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी आनंदी के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? लेकिन बापू साहब मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मुझे खाने की तैयारी भी तो करनी है, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ फूली से मिलने? आनंदी, मैं और तेरी ताईसा है ना, हम मिलकर खाना बना लेंगे। तू हुआ पर सासू माँ, मैं और गहना अभी इतनी बुढ़ी भी ना हुई हैं, हाथ पांव चलते हैं हमारे, हम बना लेंगे खाना। स-
सासू माँ वो बात ना है। अरे लेकिन लेकिन क्या लगा रखी है बेटा हा? एक बार कह दिया ना कि थोड़ी देर के लिए मिला। बेटा हम सब जानते हैं कि तू जग्गिया को लेकर बहुत परेशान है, हम भी दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पर फिर भी जानबूझकर उसे फोन नहीं करते, कहीं हमारी आवाज में छुपी चिंता उसे कमजोर ना बना दे। जब उसने खुद आगे बढ़कर लड़ने का फैसला किया है तो हम भी यही चाहते हैं कि जीत उसी की हो। और तू देखना बेटा, ऐसा ही होगा, अपने बेटे पर मेरा यह विश्वास बिल्कुल सही साबित होगा। चल मिला फूली से। ये क्या बिटिया, हमेशा तो चिट्ठी आती है, आज ये पार्सल कहां से आ गया? भद्राचार्य से पढ़ाई कर रही हो ना काका, तो सिलेबस और कुछ जरूरी कागज आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है बिटिया, जो तूने पढ़ाई ना छोड़ी, इस काम के लिए तेरे बापू की भी तारीफ करनी पड़ेगी। काका मेरी चिट्ठी आई होगी ना? नहीं चिट्ठी तो नहीं, बस ये पार्सल ही आया है। मैं पूछ लेता हूँ, अरे फूले के नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या? आई थी, गुणीराम लेके गए अपने साथ। पोस्टमैन के निकलने तक पार्सल नहीं आया होगा, इसलिए सिर्फ चिट्ठी लेके निकल गया। तू घर जा, तेरे पहुंचते ही चिट्ठी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा काका चलती हूँ। अरे वाह, विधवा के नाम चिट्ठी आने लगी अब तो, वो भी दूसरे गांव से। अरे यहाँ के छोरे मर गए क्या, जो दूसरे गांव के छोरे प्रेम पत्र लिखने लगे इस छोरी को। घनी कम्मा काका सा। अरे आनंदी बेटा, बहुत दिनों बाद आई, ठीक है ना तू? जी काका सा, फूली के लिए गरम गरम हलवा लेकर आई हूँ, उसे बहुत पसंद है ना? पर बेटा वो तो घर पे ना है, वो स्टाफिस गई है। वो किस लिए काका सा? अरे वो के कहें कि अरे पूली घर बैठे ही पढ़ाई कर रही है ना, तो उसकी किताब डाक से ही आ जाया करें, वही लाने गई है वो। पोस्ट ऑफिस तो कितनी दूर है, जब तक वो आएगी ये हलवा एकदम ठंडा हो जाएगा। कितनी चाव से लाई थी मैं उसके लिए। अरे बेटा तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, हैं? तेरे हाथ का ठंडा हलवा भी वो बड़े चाव से खाएगी। तू बैठ तो सही। We have a complaint against you. हमें शिकायत मिली है कि कॉलेज के दूसरे ही दिन बिना किसी को इन्फॉर्म किए तुम यहां से चले गए, इज इट ट्रू? मेडिकल स्टडीज को तुमने क्या मजाक समझ रखा है? ये कॉलेज है, कोई प्लेग्राउंड नहीं कि जब जी चाहा चले आए, जब जी चाहा चले गए। स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देने के लिए कॉलेज का पूरा स्टाफ दिन रात मेहनत करता है। प्रोफेसर और लेक्चरर अपनी फैमिली लाइफ भूलकर तुम लोगों का फ्यूचर बनाने में लगे रहते हैं। गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है ताकि तुम लोगों को कॉलेज में हर तरह की फैसिलिटीज मिले। सर मैं मानता हूं कि कोई सफाई नहीं सुनी है मुझे। रातों रात यहां से भाग जाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को तुमने इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर प्लीज एक बार मेरी बात। इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में हम सब, इसे अगर पनिशमेंट करते हैं या कोई इसके अगेंस्ट सीरियस स्टेप लेते हैं तो इमीडिएटली यूनियन बीच में आ जाएगी। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ही है, इसी बात का फायदा उठाते हैं ये लड़के लोग। रईस घर के बेटे हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स के कारण इन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और बेचारे काबिल स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और सर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस को सीरियसली लेते ही नहीं। आई एम सॉरी जेंटलमैन, एजुकेशन सिस्टम इस तरह से फंक्शन नहीं कर सकता, नो वे। यू बेटर अंडरस्टैंड वन थिंग, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कोई खेल नहीं है। तुम लकी हो जो यहां तक पहुंचे, वो भी किसी का हक छीनकर। सो स्टॉप ऑल दिस थिंग, ओके?
सर अगर आप परमिशन दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप क्या कहना चाहते हो? बड़ी जल्दी में है। अरे चिट्ठी पत्री से कब तक मन बहलाएगी मेरी बुलबुल? एक इशारा तो कर दे, बस सारे अरमान पूरे कर दूंगा। बच के तू जाएगी कहाँ? अभी बताता हूँ। आई एम सॉरी सर, गलती की मैंने जो किसी को बिना बताए चले गया यहाँ से, लेकिन जैसे ही अपनी भूल का एहसास हुआ मैं वापस लौट आया। आप चाहें तो पनिशमेंट दे सकते हैं मुझे, लेकिन सर जिन लड़कों के कारण मुझे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा, क्या आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? हर साल मुझ जैसे नए स्टूडेंट्स के साथ घिनौना बर्ताव करने वाले सीनियर्स को पनिशमेंट नहीं देंगे आप? जिस तरह का मजाक किया जाता हमारे साथ, जो तमाशा बनाया जाता हमारा, मारपीट, भद्दी हरकतें, लड़कियों को सबके सामने नाचने के लिए कहना, ये सब सहन नहीं होता सर। जिस सपने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं उसे पूरा किया बिना ही हमें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ता है। पढ़ाई या मेहनत से घबरा कर नहीं सर, बल्कि रैगिंग के दहशत के कारण। बात सिर्फ कॉलेज छोड़कर जाने की नहीं है, शर्म और डर के कारण कुछ छात्र आत्महत्या करने की सोच लेते हैं और कर भी लेते हैं सर। मैंने भी जान देने की कोशिश की थी। What do you mean? Yes, sir. यहां से जाने के बाद मैंने खुद को खत्म करना चाहा था। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मुझे पूरी बात बताओ। हेलो, ऐसे कबूतरों की तरह ग्रुप बना के क्या बैठे हो? कोई मुफ्त का दाना डालने वाला है क्या? पढ़ाई करने आए या पिकनिक मनाने? माँ बाप के पैसे लुटाने आए हैं सबके सब, और पढ़ाई में तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। जब डॉक्टर बन के निकलेंगे इस कॉलेज से तब पता नहीं कितने पेशेंट की जान लेंगे। कभी तो थक कर रुकेगी ना। Thank you.
शक्लें तो देखो इनकी, खुद ही बीमार लगते हैं। ना ही कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही किससे बात करने की तमीज, ना ही कोई मैनर्स है। चले आए डॉक्टर बनने, अबे जाओ ना, जाके पढ़ाई करो। एबीसीडी तो सीखी है ना तुमने स्कूल में, कि केजी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अबे जाओ ना क्लास में। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं क्या?